कि वो दिन दूर नहीं जब जमुई बिहार के सबसे विकसित जिलों में से और जमुई लोकसभा बिहार का सबसे विकसित लोकसभा होगा, ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के लगभग 508 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का काम रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। जमुई जिले में दो ऐसे स्टेशन हैं जिसको इस श्रेणी में रखा गया है। एक सबसे पहला जमुई रेलवे स्टेशन और दूसरा सिमुतुल्ला रेलवे स्टेशन। एक जमुई को लेकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 23 करोड़ से अधिक की राशि जो है आवंटित की है और जो भी सुविधाएं हैं इस स्टेशन पर उपलब्ध कराने की भी जो है इस योजना के तहत की जाएगी। सिमुतल्ला में भी लगभग 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस स्टेशन को विकसित करने के लिए। इस मौके पर जमुई के सांसद चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि यह एक जमुई जिले के लिए बड़ी सौगात है। सबसे पहले आप चिराग पासवान को सुनिए क्या कह रहे हैं। पिता ने देखा था और आज जब उनका ये सपना पूरा हो रहा है तो यकीनन न सिर्फ एक सांसद होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। और अंत में मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने लगातार मुलाकातों में जिन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि उनकी पहली नजर देश के हर एक कोने में जमुई जैसी जैसा क्षेत्र जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, जो कि मुख्य धारा से एक लंबे समय तक कटा रहा, आज जमुई में भी इस तरीके की केंद्र की परियोजनाएं एक के बाद एक आ रही है। भले वो केंद्रीय विद्यालय हो, भले वो मेडिकल कॉलेज हो, भले वो पासपोर्ट ऑफिस हो, भले वो FCI का जोनल ऑफिस हो, एक के बाद एक इस तरीके की योजनाओं का हमारे क्षेत्र में आना यकीनन दर्शाता है कि वो दिन दूर नहीं जब जमुई बिहार के सबसे विकसित जिलों में से और जमुई लोकसभा बिहार का सबसे विकसित लोकसभा होगा, ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना था। अभी आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जमुई के सांसद चिराग पासवान को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश में विकास कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं और जमुई और सिमुतल्ला रेलवे स्टेशन के विकास के लिए उन्होंने जो किया है वह स्वागत योग्य है और इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। तो इस दिन तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।